अब इरेज्ड एनिमी एक बहुत ही पावरफुल इमोशनल और साइंस फिक्शन एनिमी है जो हम व्यूवर्स को शुरू से लेकर अंत तक बांध कर रखता है। हम कभी भी ऐसा फील नहीं करते कि ये सीन थोड़ा ऑफ है या बोर कर रहा है। इसके बावजूद भी इरेज्ड एनिमी को बहुत ही ज्यादा खास और कमाल का बनाने के लिए इस एनिमी के डायरेक्टर तोमोहिको इतो ने इस एनिमी में इतनी कमाल की डिटेल्स को ऐड किया है जिन्हें देखते वक्त हमें कभी महसूस ही नहीं होता कि इस एनिमी में इस सीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम कुछ ऐसी ही डिटेल के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने इरेज्ड एनिमी देखते मिस कर दी होंगी। पर उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्केड और आप देख रहे हैं एनिमी वर्ल्ड। अब एनिमी के डायरेक्टर तोमोहिको इतो ने कलर को लेकर बहुत स्पेसिफिक ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि रेड कलर जो कि ज्यादातर तब शो हुआ है जब कैरेक्टर पर कोई खतरा आता है, और सातोरू बचपन में अपने जैकेट पर हमेशा एक रेड बटन पहनता है। जब वो बड़ा हो जाता है उसकी जॉब की यूनिफॉर्म भी रेड होती है और उसकी जो को वर्कर है एरी वो भी एक रेड रिबन पहनती है। कायो ने तो अपनी पूरी एनिमी सीरीज में रेड कपड़े ही पहने हैं। सातोरू की मॉम ने भी रेड शर्ट पहनी होती है जब उनकी डेथ होती है, यानी कि स्क्रीन पर जब भी रेड कलर दिखता है तब कुछ न कुछ डेंजर होना ही होता है, और कायो के साथ तो पूरी सीरीज में ही बुरा हुआ है, तभी उसे रेड कपड़ों में दिखाया गया है। अब रेड कलर का इस्तेमाल कैरेक्टर की आंखों के लिए भी किया गया है जब वो या तो किसी का बुरा करने वाले हैं या किसी को मारने वाले हैं, जैसे कायो की मॉम की आंखें और उस किलर की आंखें जो कि रेड दिखाई गई हैं। पर अगर स्क्रीन पर डेंजर है और वहाँ कोई रेड कलर नहीं है, यानी कि उस सीन में किसी को कोई खतरा नहीं है, जैसे कि एरी जो हमेशा रेड रिबन पहनती है पर जब उसकी जान खतरे में थी तब उसने कोई भी रिबन नहीं पहना होता और पूरी स्क्रीन पर कहीं भी कोई रेड कलर नहीं दिखाया गया, इसका मतलब साफ है तोमोहिको इतो रेड कलर को इस सीरीज में डेंजर थीम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अब एपिसोड 2 में जब सातोरू कायो से पहली बार मिलता है तो वो उसे दूर से देखता है, और उस सीन में कायो के बैकग्राउंड में एक इग्लू जैसा या कोई बच्चों के झूले जैसा है जो भी है, पर उसे ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कायो ने अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट किया हुआ है और वो किसी से मिलती नहीं, किसी से बोलती नहीं और उसके कोई दोस्त भी नहीं है। पर जब सातोरू उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है और वो उसे कन्विंस करता है अपनी बातों से, तब सातोरू को उस बैरियर के अंदर दिखाया गया है, ये दिखाने के लिए कि कायो अब अकेली नहीं है। अब जब सातोरू कायो से बाहर जाने के लिए पूछता है तो उस सीन में पहले के सीन जैसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि जब कायो अकेली होती है तो वो पार्क में खड़ी होकर एक ट्री को देखती रहती है और उसी रात उसके सारी जिंदगी बदल जाती है, उसकी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। पर जब सातोरू कायो की लाइफ में आता है तब कायो पहली बार खुश होती है, वो फिर से उस ट्री को देखती है पर इस बार सातोरू के साथ एक ब्यूटीफुल वे में, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई इतनी खुशी कर आया है, और उसी वक्त से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। एनिमी देखते वक्त हम इतने खो जाते हैं कि हमें इन सीन्स का पता ही नहीं होता कि ये कितने ब्यूटीफुल वे में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए हैं। अब इरेज्ड एनिमी में जब भी प्रेजेंट के सीन दिखाए जाते हैं तब एनिमी को फुल स्क्रीन यानी कि 166:1 पर ही दिखाया जाता है, पर जैसे ही एनिमी पास्ट में शिफ्ट होता है तब एनिमी का स्क्रीन रेशियो सिनेमैटिक कर दिया जाता है जो है 239:1। शायद काफी लोगों ने इस पर ध्यान भी दिया होगा। इरेज्ड एनिमी का ओपनिंग सॉन्ग रीरी रियल में 2004 में आया था एक एल्बम में जिसका नाम है सोल्फा, और कमाल की बात यह है कि इस एल्बम में दो सॉन्ग्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही फेमस एनिमी के ओपनिंग सॉन्ग्स हैं, जो है नरूटो का सेकंड ओपनिंग सॉन्ग हाराको कनाटा और फुल मेटल एल्केमिस्ट का फोर्थ ओपनिंग सॉन्ग रीराइट। इरेज्ड एनिमी के लिए रीरी सॉन्ग को दोबारा से रिकॉर्ड किया गया था, और रीरी का रेफरेंस एनिमी के एंड में दिखाया जाता है जब सातोरू उस ब्रिज के नीचे बैठा होता है जहां एरी उससे मिलती थी। अब एनिमी के ओपनिंग सॉन्ग में इस एनिमी के किलर को ही दिखा दिया जाता है, पर वो इतनी जल्दी दिखाया जाता है कि बिना स्लो किए वो कभी दिखा ही नहीं देता। अब इरेज्ड एनिमी का जापानीज नेम है बाकू डाके गा इनाई माची, इसका रियल मतलब होता है द टाउन वेयर ओनली आई एम मिसिंग, पर इस एनिमी का नाम इसलिए चेंज कर दिया गया क्योंकि एनिमी में कायो को सभी भूल जाते हैं कि वो कभी एग्जिस्ट भी करती थी, यानी कि वो उनकी जिंदगी से कम्प्लीटली इरेज्ड हो चुकी थी, इसलिए इसका नाम बदलकर इरेज्ड रख दिया गया, पर सिर्फ इंग्लिश वर्जन में। अब एनिमी में जब भी रिवाइवल होता है तो एक ब्लू बटरफ्लाई दिखाई जाती है। अब ये रेफरेंस है 2004 की मूवी द बटरफ्लाई इफेक्ट का, जिसमें भी एक लड़का होता है जो पास्ट में जाता है अपने बचपन में एक लड़की को बचाने के लिए, पर उसकी स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। हाँ, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को ये पता था, मगर ये जो है ये एक लड़का है, और मैं पूरे एनिमी में ये सोचता रहा कि ये एक लड़की है और इसका नाम है हिरोमी, और यही है वो जिसने कायो से शादी की थी। अब जब मुझे ये पता चला था ना, तो यकीन मानो मेरा एक ही चीज का मन था।
क्या अबे लगता है अबे लग रहा है छोड़ अबे अरे क्या बोलते हैं उनको अरे न्योता देखते बोरा है वो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी डिटेल या फैक्ट पसंद आया या फिर आपको कौन सा फैक्ट पहले से ही पता था। और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं इसी तरह की एनिमी फैक्ट्स और डिटेल की वीडियो बनाता रहता हूं। और साथ ही मैं मांगा को हिंदी में भी क्रिएट करता हूं ऑडियो बुक की तरह, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। सो इन द एंड स्टे सेफ, इट्स मी आर्केड साइनिंग आउट।